प्रोग्राम एक शख्सियत दे विच तुहाडा स्वागत है ते मेरे नाल ने रेखा महाजन। रेखा महाजन केजीएन सोसाइटी दे नाम ते कई महान ऐसे काम कर चुके ने अमृतसर दे विच कि उन्हां नूं अज पूरा समाज चंगी तरह जानदा है, पर मैं असीं चाहुंदे आ कि साडे दर्शक जिहड़े ने देशां विदेशां दे विच बैठे ने उह वी रेखा महाजन नूं अते उन्हां दी सोसाइटी नूं चंगी तरह जाणन ताकि उन्हां नूं पता लगे रेखा महाजन जिहड़े समाज दे विच चंगे काम कर रहे आ उह किवें ते होर कदों तक ते किवें करनगे। ते मेरे नाल रेखा महाजन ने। रेखा जी, पहला सवाल यह है तुहाडे को, तुहाडी मुढ़ली जिहड़ी एजुकेशन आ उह कित्थों किवें ते कित्थों तक तुसीं पढ़ाई कीती है? मैं जी गुरदासपुर दी रहिण वाली और एक बिजनेसमैन फैमिली तो सी जिथे कि ज़्यादा कुड़ियों को पढ़ाया नहीं जाता, 18 साल तो बाद विआह दिंदे सी। बट मैं अपने माँ बाप की पंजवीं बेटी हाँ, सब तो छोटी लड़की, और मेरे तो बाद दो ब्रदर्स भी हुए हैं। तो मैं कुछ पता चलिया सी अपनी सिस्टर्स तो या मेरे ताई जी दस से कि छोटी होंदे ही मैनू पहले दिन ही मारन की कोशिश की गई सी। मेरे मुँह च बर्फ पा दी गई सी मेरी दादी माँ वालों, तो मैं सारी रात बर्फ चूसती रही और बच गई। जो थोड़ी छोटी जी सी तो जो गल् सुन मिलदियाँ से तो कभी दुख भी हों, दर्द भी हों कि मैंने कोई मुझे मारना चाहता से, जो कि दादी माँ बहुत प्यार करते थे, मैं अपने भी उस चीज़ देखी मैंने बहुत प्यार करते थे। बट ये चीज़ ने मैंने कुछ उठती सी और मेरा मकसद से कि मैं जिंदगी कुछ इस तरह का करांगी कि मेरे माँ बाप तो मेरे होने पर फख्र करेंगे ही, दुनिया मेरे पर फख्र करे और आने वाली जगह ने टाइम के धियां जड़िया ने उन्होंने पैदा करने लोग माण महसूस कर। बस इस चीज़ ने ना लैके मैं पढ़न की बहुत शौकीन रही, पढ़ना मैं बहुत अच्छा लगता सी और हर तरह की किताबा पढ़निया अच्छी किताबा जिन्हें नॉलेज मिले मोटिवेशन गल्ल मैं समझावन। फिल्मों के भी मैं चंगी चीज़ लगती सी, फिल्मा भी देखती ड्रामे भी देखती, पर चंगी गल से मैं कैच कर लेंदी सी, माड़ी गल मैं छड़ देंदी सी। सो मैं डबल एम ए की है इंग्लिश और इकनोमिक्स के, एम एड एम पी इन इकनोमिक्स और एनवायरमेंट एम बी एनवायरमेंट की, क्योंकि मैं वातावरण के उपर काम करना चाहती सी। मैं देखिया कि जोड़ा बिगाड़ आया है वातावरण के आने वाले समय के उत्ते ही कुछ कर चाहिए है। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एम बी एम बी ए एनवायरमेंट की और मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत सहयोग दिता मेरी पढ़ाई के, जिस तरह के मैं लगता नहीं कि बिजनेसमैन फैमिली के मैं इन्ना कोऑपरेट करे, पर मेरे पेरेंट्स ने मैं बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया। जी मेरे मन च दिमाग से लगता है कि शायद मैं पंजवीं बेटी हाँ, तो वो जी वो कम उन्होंने पूरी की और मैं बेटी एहसास नहीं कराएगा, मैं बेटा और बेटी के फर्क नहीं रखा गया, मैंने अपने भरावों तो ज़्यादा प्यार मिले उस परिवार के। के जी एन वेलफेयर सोसायटी जी है वो कदों शुरू की गई, विआह तो बाद हुई या विआह तो पहले तुम ये समाज सुधार जो काम से करने शुरू कर दिए? बचपन तो ही मैंने लोगों की मदद करने से बहुत मज़ा आता है, खास करके बुजुर्गों की। मैं रस्ते जाते लोगों का समान चुक लेंदी सी, मैंने कुछ हों कि नहीं, जो मैं बस में बैठी हाँ तो मैं लोगों को जगह दे दें, ये बचपन तो ही मेरे से चीज़ा। आफ्टर मैरिज मैं एक बाल विहार शुरू किया, मैंने बच्चे इकट्ठे करके उन्होंने पढ़ाने का बड़ा शौक से फ्री, और बाल विहार के मैं जिन्ने 30-40 बच्चे से मेरे को डांस सिंगिंग योगा भजन शब्द हारमोनियम मैं सब सिखाती सी उन्होंने, उन्होंने मैं कॉम्पीटिशन भी करवा सी अपने घर के। सो ये समाज सेवा शुरुआत से मेरे घरों ही हो गई सी और उस तो बाद 6-7 साल हो गए हैं मैंने इस संस्था में चलाद्या। विआह तो बाद ही मैं शुरू की है के एन वेलफेयर सोसायटी, जिस तहत मैं बच्चों की फीसा जी पे करती हाँ, जिन्हें किसी की मैरिज के लोड़ पैंती है उत्थे मदद करती हाँ। कुछ बच्चे मैं अडोप्ट किए हुए हैं, एक लड़की है डैफ एंड डंब है, गूंगी बहरी लड़की है जिड़ी कि गवर्नमेंट स्कूल पढ़ती सी, किसी जो मेरे कॉन्टैक्ट में आई तो मैंने लगा कि उन्होंने कोई समझ नहीं पा रही, तो मैं भी उन्होंने समझ नहीं पा रही, मैं अपनी बेटी बनाया और उन्होंने मैं रैड क्रॉस डी ए वी पब्लिक स्कूल के जोड़ा है दाखिल करवाया है, वो मैं फीस पे कर रही हूँ। पिछले साल तो उस साल वह लैवल इन्ना अच्छा नहीं पढ़ाई में, लेकिन क्योंकि उत्थे साइंस के थ्रू समझाते हैं पूरा, मतलब कि टीचर्स अच्छे ने, तो वो लड़की हूँ जी बहुत चेंजेस आई हैं, रिजल्ट भी जरा बड़ा अच्छा आया है। सो के जी एन सोसायटी इन्ह कामों के नाल वातावरण के उपर काम तो करती ही है। इस तो अलावा मैं यूथ में जोड़ा है नशिया तो दूर करने वास्ते लड़कियों सही रस्ते पर लिया कुछ कल्चर प्रोग्राम करवानी हाँ, उन्होंने टैलेंट में देखती हाँ निखारती हाँ, ताकि बच्चे गलत राह पर ना जाके बिजी हो जाए नशे के ना जाके, जो उन्होंने टैलेंट है उस टैलेंट में मैं लैके आवा, यह मेरी सोच रही है। क्योंकि मैं देखती सी कि जो बड़ा टैलेंटेड बच्चा है उन्होंने बड़े स्टेज मिल जाते, मंच की कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं,
सब कुछ मिलता सी। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शौक होंगे उन्होंने टैलेंट भी होंगे है बट उन्होंने स्टेज नहीं मिलता वो कॉन्फिडेंस ही उन्होंने नहीं आता। सो उन्होंने बच्चों लैके मैं चली हाँ कि मेरे को चाहे बिल्कुल नवा न्यू कमर आता है उन्होंने बार 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 मैं इन्ने क स्टेज दे दिनी हाँ कि वह जरा है टैलेंट निखर के आता है और उन्होंने बड़े बड़े मंच के उत्ते जरा काम करने का मौका मिलता है। सो उत्थे कला के जी एन जरा है वो नहीं आ जाता वो बहुत सारे मंच जुड़ जाते हैं बहुत सारे समाज सेवी संस्थावान जुड़ जाते हैं बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और मैं बच्चों किसी मुकाम तक पहुँचते देखा है तो मैं खुशी होंगी है जो मैं माँ कहें और अपने आप के माँ सुनना शब्द मेरे बारे कहा जाता कि 1000 तो वह बच्चों की माँ है और रियलिटी है कि यूथ जोड़ा है मैं माँ कहता है और शायद उन्होंने यह लगता कि माँ के रूप के सू ज़्यादा अगे लैके जाएंगे और मेरे लिए चाहे मैं माँ कोई कहता चाहे नहीं कहता मेरा बच्चा ही है और मैं अपने बच्चों नो वह दूसरों को प्यार करती हूँ। रीज़न बीइंग कि मेरे बच्चों ने तो मेरे को सब कुछ मिल ही जाना है वो बच्चे जिन्होंने मतलब कि कोई कमी करके नहीं मिल सकता मैं उन्होंने मदद करती हूँ। रेखा जी बाई प्रोफेशनल तुसी की काम कर रहे हो? मैं वैसे तो मेरी जॉइनिंग जड़ी है 20 साल पहले मैं गवर्नमेंट जॉब चाहिए सी उस तो पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करनी शुरू कर दी सी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब तो बाद मैं पंजाब गवर्नमेंट की जॉब एज ए डायरेक्ट लैक्चरर 1996 के जॉइन किया। हूँ मैं स्कूल के जोड़े है पढ़ा भी रही हाँ तो जो साढ़े प्रिंसीपल सर जोड़े ने टीम के इंचार्ज ने उत्थे चले जाते हैं और चैकिंग के रेंदे ने तो मैं पिछले 1.5 साल तो एज ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल भी स्कूल संभाल रही हाँ और भी मेरा टारगेट यही हो रहा है कि बच्चों का टैलेंट बच्चों की पढ़ाई में अगे लैके आवं और बच्चों अनुशासन पैदा किया जाए और जड़िया उन्होंने चीज़ा चाहिए ने जो कमियां उनके परिवारों के है नहीं मैं उन्होंने बकायदा उन्होंने बैठ के गलबात भी करती हाँ उन्होंने हर तरीके मदद भी करती हाँ। दिन से किन्ने घंटे जी समाज सेवा करते हो? मुझे लगता कि जो मैं सौंदी भी जागती भी हाँ तो मेरे मन च आता कि मैं कुछ करा मैं लोगों लिए कुछ करा और वही चीज़ मैं बड़ी खुशी दिंदी है मैं बड़ी खुश रहनी हाँ अदरवाइज मैं अपने आप ही कुछ चंगा नहीं लगता है। सो मैं जो स्कूल जाती हाँ तो उत्थे बच्चों बारे सोचती हाँ ईवन जी कुक लगियां ने मैं उन्होंने बारे सोचती हाँ जो मेरे अंडर स्टाफ काम कर रहा उन्होंने बारे सोचती हूँ उन्होंने प्रॉब्लम्स भी सुनती हाँ तो आम जनता नाल मैं जुड़ी दी हाँ। एक रेशो दसो किन्ने घंटे के तुसी काम कर सकते हो? मैं एक्चुअली पैदा हिस्से ली हुई हाँ मैंने परमात्मा ने कुछ खास टारगेट लिए भेजा है कुछ खास मकसद लिए भेजा है मैं की कह कि ओदी रहमत नाल सब कुछ कर रही हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती सी ना ही कुछ करन योग हाँ जिन्ना वो मेरे को काम करवांदा है मैं करी जानी हाँ बहुत ज़्यादा। रेखा महाजन की जी इस समाज सेविका की लगन है कभी ओदी फैमिली उत्ते इहदा इफेक्ट पिया होवे? मैं देखो एक लेडी कुछ नहीं कर सकती जब तक उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होगी। मैं जॉइंट फैमिली च रह रही हूँ मेरे इन-लॉज ने मदर इन-लॉ है फादर इन-लॉ ने पहले दादी माँ भी सी वो हूँ इस दुनिया च नहीं है मेरी जठानी जेठ उन्होंने परिवार तो मेरा परिवार इको छत थले इको किचन के खाना पकता है तो उन्हें सब की सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम इन्ना पैसा वो घर का मतलब घर का पैसा ना कि बाहर क्यों लोगों को लगा रहे हो कभी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं की मैं किन्ने बजे घर आ रही हूँ किन्ना टाइम मैं बाहर दे रही हूँ किसी ने अज तक मुद्दा नहीं उठाया और मेरे काम में बहुत खुश ने बहुत सैटिस्फाइड ने मेरे बच्चे मैंने पूरा सहयोग देंगे ने मेरे हसबैंड का सहयोग बहुत है। शायद जिंदगी के किसी दौर पर मैं लगा सी कि मैं समाज के बाहर आके काम नहीं कर सकती क्योंकि दुनिया में सामना करना जो उन्होंने गलों में सहना कोई ईजी काम नहीं है। उस टाइम मेरे हसबैंड ने एक एग्जाम्पल दी सी कि कई तू पोलीटिशियंस देखते हो कई लोग फिल्मी लाइन भी देखते हो उन्होंने कि किचड़ सुटे आता है कि लाइफ के उत्ते आता कि वो काम नहीं करते। उस एक शब्द ने मेरी जिंदगी में बदल दिता और मैं बिना किसी डर तो निडर होकर दुनिया में विचर रही हूँ काम कर रही हाँ ये मेरे हसबैंड का मन सहयोग है। मेरे बच्चे जो ने उन्होंने मैं कई बार कहनी कि मैं तुहाडा पैसा लोगों को दे रही हूँ कि तुम फील होंगे और मेरा बेटा जिहड़ी कि मेरे लिए सच्ची एक कह रही कि मेरी एक मजबूत कड़ी है मेरी जिंदगी की जिहड़ा मैनू समझाता है कि मम्मा नाल कुछ नहीं जाना तो मैं कहना है कि जो तुम काम नहीं करोगे तो फिर तुम लोगों की समाज सेवा किमें करोगे मदद किमें करोगे जाने कि मैं मोटीवेट करने वाले इन्ने लोग ने कि मैं हेठा बैठ ही नहीं सकती चुक नहीं सकती काम कितने बिना रह नहीं सकती। सो उन्होंने सहयोग है वो मैं उन्होंने पूछती हाँ कि तुम कभी मैं जिस बाहर टाइम नहीं दिनी हाँ पर वो बड़े खुश ने वो कहते यह जी माँ सबनों मिले बस। रेखा महाजन ने जो प्रशासनिक तौर पर कि मदद मिलती है? देखो मैंने पैसे की मदद ना तो मैं कभी मंगी जी
ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਰੇਖਾ ਮਹਾਜਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਫ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੰਜੇ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨਾਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਾਫ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਚਰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਮਿੱਤਰ। ਲੋਕ ਮਿੱਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਮਿੱਤਰ। ਬਸ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੇਖਾ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਝਾਂਡ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਹੋਏਗਾ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਬੇੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਯੂਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ 100% ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ 70% ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਬੰਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਇਨਸਾਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਮਹਾਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਈਸ਼ਵਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭੋ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਭ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਖਾ ਮਹਾਜਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਜੀਐਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਾ ਮਹਾਜਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੋਨੂ ਸੋਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਵਿਕਰਮ ਗਿੱਲ, ਖਬਰ ਹੈਲਪਲ ਇੰਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।